फ्रेंड्स, कैसा रहा दशहरा? आज का व्लॉग आपने देखा, एंजॉय किया ना? आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या चल रहा है व्लॉग में, वो चावल का क्या बनाया गया है। सो मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। हमारे यहाँ पे दशहरे के दिन मॉर्निंग में वाहन पूजा होती है। सबसे पहले राम भगवान जी की पूजा करते हैं, उसके बाद फिर वाहन पूजा करते हैं। जो भी गाड़ियाँ हैं आपके घर में, सब अच्छे से धोते हैं, उसको साफ़ करते हैं, उसके बाद उनकी पूजा करते हैं, हार चढ़ाते हैं, देन घर में तोरण लगाते हैं, बाहर रंगोली डालते हैं, और फिर अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, पूरन पोई बनती है। इस तरह से हमारे यहाँ स्टार्टिंग होती है दशहरे की। एंड देन इवनिंग में हम लोग जाते हैं टेंपल, दुर्गा जी के मंदिर जाते हैं, वहाँ पे सोनपान चढ़ाते हैं, और फिर जब वहाँ से लौट के आते हैं तो हमारे घर के जो भी जेंट्स हैं वो घर में एंट्री नहीं करते। पहले लेडीज़ सिर्फ एंट्री करती है, जेंट्स बाहर ही खड़े रहते हैं। वो राम बन के घर पर आते हैं तो पहले हम उनका अक्षवान करते हैं, उनकी नज़र उतारते हैं, देन वो घर के अंदर आते हैं। उसके बाद हम लोग पटे पे चावल का रावण बनाते हैं, उनके पेट में अंगूठी छुपा के रखते हैं। फिर हस्बैंड वो राम भगवान जी बन के आते हैं, सो वो रावण को कट करते हैं, उनके पेट में कट चाकू से कट करते हैं, और उनको वो अंगूठी मिलती है उसमें से। और फिर उसके बाद हस्बैंड का एज अ राम अक्षवान करते हैं। इस तरह से हम लोगों के यहाँ पे दशहरा मनाते हैं, और सभी बड़ों को सोनपान देते हैं, नमस्कार करते हैं, और इसी तरह से हम ये त्यौहार मनाते हैं। बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है, सब सभी के यहाँ मिलने जाते हैं, सबको दशहरे की बधाइयाँ दे के सोनपान देते हैं। तो आपके यहाँ पे बताइए आप लोग किस तरीके से मनाते हो। सो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, इंजॉय किया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।